सबसे पहले ये बताएं, ये आपने बाड़ीवा खिलाड़ी में काम किया है, हर कोई पूछना चाह रहा है क्या किया है माहिरा खान के साथ आपने? माहिरा खान ने तो प्रोड्यूस किया बेसिकली, उनकी प्रोडक्शन थी, उनकी पहली प्रोडक्शन थी, और बस उसमें रोल है एक मेरा क्रिकेटर का, वो बस मैंने किया। सारी लड़कियाँ हैं, यंग शावी, न्यू यंग लॉट बेसिकली दैट्स कमिंग, शावीर है, मैं हूँ, खाकान है, जरार है, मीर है, और भी काफ़ी लड़के हैं, और साथ किंजा है, किंजा हाशमी, और बस क्रिकेट का एक, क्रिकेट की कहानी, पूरा एक खेल। अच्छा, रोल की तरफ आते हैं, लेकिन ये बताएं, माहिरा खान के साथ काम करना, हर किसी को होता है कि हीरोइन ले उनको, और आपको उन्होंने प्रोड्यूसर के तौर पे लिया, थोड़ा सा लगा यार उनके साथ काम करते, एक्टिंग एक्टिंग करते? वो मैंने तो उनके साथ बेसिकली, मेरा पहला जो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस है वो तो एज अ यू नो हर बीइंग अ प्रोड्यूसर वो हुआ है, तो वो तो आई थिंक शी इज़ फिनोमिनल, बिकॉज वो बहुत पैशनेट थी प्रोजेक्ट के बारे में, तो जितनी दफ़ा हमारी बात होती थी कैरेक्टर के बारे में, स्टोरी के बारे में, तो वो पूरी हमारी एक बहुत अच्छी बैक एंड फोर्थ डिस्कशन होती थी, हम बहुत ज़्यादा एक इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन करते थे कि ये क्यों होगा, ये कैसे होगा, और सवाल पूछते थे, फिर जवाब आते थे, और मुझे याद है कि वो एंड मोमेंट तक, लास्ट मोमेंट तक माहिरा जो थी वो स्क्रिप्ट पे भी खुद बैठ के साथ पूरा चेक करती रही थी कि यू नो कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये ठीक नहीं लग रहा, सो कॉन्स्टेंटली एक अप्रोच थी कि हम और बेहतर कर सकते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं, तो बस वो दैट्स द काइंड ऑफ अप्रोच दैट आई लाइक एज वेल, और उनका पैशन देख के फिर नेचुरली मेरा भी और ज़्यादा जो था एक एक फ्लो बन गया था, सो यू नो इज़ वंडरफुल। फ़ोन किसने किया था करेक्टर ऑफर करने के लिए? फ़ोन मुझे आया था लीना काश्यप का, हु इज़ ऑल्सो द प्रोड्यूसर अलॉन्ग विद माहिरा, एंड वो भी बहुत पैशनेट थी, वो दोनों बहुत पैशनेट, दे वर टू ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स। आई खैर मेरा तो अभी इतना एक्सपीरियंस हुआ नहीं है इतने प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने का, लेकिन इनके साथ जो था नीना एंड माहिरा, बोथ वर फिनोमिनल। तो ये बताएं कि क्या 12वें खिलाड़ी आप हैं? जी। अच्छा, इसका मतलब लेकिन शायद नहीं भी। ये तो देख के पता चलेगा। और आपके साथ हीरोइन कौन है इसमें? किंजा हाशमी। दानियल, सवाल यहाँ पे ये कि क्रिकेट आपने पहले खेली, इससे पहले कुछ सीखा हुआ था, क्रिकेट का पता था? क्रिकेट मैंने इससे पहले कभी नहीं खेली थी। बल्कि इसके लिए मुझे कोई हफ्ता 10 दिन ट्रेनिंग करनी पड़ी थी अपने, मेरा कज़न है एक साथ, उसके साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा उसकी ज़रा हेल्प वेल्प ले के तो काफ़ी ट्रेनिंग की, और क्योंकि हार्ड बॉल थी, हार्ड बॉल ज़रा इट्स वेरी डिफरेंट टेप बॉल से, बचपन में मतलब टेप बॉल से थोड़ी बहुत खेली हुई है, लेकिन वो काउंट थोड़ी होता है, क्योंकि इसमें एक चैलेंज ये था कि डायरेक्टर ने बोला हुआ था कि मैं कह रहा हूँ कि छक्का मारना तो छक्का मारना है, अगर मैं कह रहा हूँ कि चौका मारना तो चौका, अगर मैं कह रहा हूँ कवर ड्राइव, तो जिस तरह जो इंस्ट्रक्शन आएगी वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और फिर बैट्समैन का मतलब एक पूरा स्टांस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो सब कुछ, तो वो थोड़ा बहुत मुझे करना पड़ा था। अब कोशिश तो मेरी पूरी थी जितना मैं कर सका था, जितना टाइम था, अब देखते हैं कि आता कैसे। इतना मुझे पता है कि जब हम पिच पे थे, फील्ड पे थे, और जो डायरेक्शन आती थी कि दानियल अब ये शॉट, तो वो मैक्सिमम दूसरी तीसरी बॉल पे लग जाती थी फॉर मी एंड फॉर शावीर, बोथ ऑफ अस। तो अच्छा दानियल, तो क्या आपने अपने भाई से क्रिकेट नहीं खेली? उन्होंने तो बहुत सिखा सकते हैं आपको। उन्होंने काफ़ी खुद खेली हुई है, लेकिन मेरा मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उनसे पूछूं या कहूं कि आप मुझे ज़रा थोड़ा सिखाएं, सब कुछ करें, वो अपनी पूरी ज़िंदगी में बिजी रहते हैं, मैं ज़रा अपनी में था। तो अच्छा, ये जब मुकम्मल हो गई 12वां खिलाड़ी, तो आपने कोई माहिरा से कभी कहा कि यार मेरे साथ कोई एक्टिंग वाला काम भी कर लें? अगर मैं कह भी दूँ तो बहुत एक ट्रिकी सिचुएशन होगी कि उनके साथ कैसा काम किया जाए, क्या कैरेक्टर उनका ऐसा हो कि वो मेरी बड़ी बहन बन जाए या ऐसा कुछ। सॉरी माहिरा। नो आई थिंक इन कोई 3 से 4 साल में जब मैं ज़रा बॉय जोन से थोड़ा बाहर निकल आऊँगा, तो फिर ज़रूर ख्वाहिश होगी कि आपके साथ भी स्क्रीन शेयर की जाए। मैं मजाक करूँगा, अभी भी हो सकती है एंड लेकिन देखते हैं। ये बताएं, हम आपको एक मौसीकार के तौर पे जानते हैं, एक गुलकार के तौर पे जानते हैं, गुलकारी से ब्रेक लिया है या कुछ है पाइपलाइन में? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। इस वक्त 12-15 गाने पाइपलाइन में हैं और वो अपनी फिनिशिंग स्टेज में है, और उनके दरमियान में ये सब कुछ होता है। जैसे ही यहाँ से रैप होगा,
वापस लाहौर जाते साथ ही वो सारी चीज़ें जो फिनिशिंग स्टेजेस पे थी वो होंगी और फिर ठक 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 ठक। अच्छा दानियल, आपने कुछ 3-4 साल पहले एक इंटरव्यू दिया था हमें और आपने कहा था कि दूसरा अली जफर किसी को नहीं चाहिए, मुझे अपनी शनाख्त चाहिए। 4 साल बाद भी आप यही कहेंगे? हाँ, क्योंकि वो जो मैंने बात बोली भी थी उसकी वजह बेसिकली ये थी कि अली जफर तो अली जफर बन गए ना, उन्होंने अपनी उनकी अपनी आवाज़ है। अली जफर क्यों है? क्योंकि उनकी अपनी एक पहचान बनी, उनकी अपनी स्ट्रगल के थ्रू, उनकी अपनी मेहनत के थ्रू, उनके अपने स्टाइल के थ्रू, अपनी आवाज़ के थ्रू, उस हर एक फैक्टर के थ्रू जो कोई और नहीं कर सकता। इसी तरह हर एक बंदा अपनी एक ओरिजिनलिटी के बनिस्बत ही एक मुकाम पे पहुंचता है। मैं अली जफर को अली जफर से बेहतर नहीं कर सकता। मैं दानियल जफर को बहरहाल एक ऐसा नाम बना सकता हूँ अपना, जो कल को मतलब फिर लोग हो सकता है ये कहें कि क्या आप दानियल जफर की तरह बनना चाहते हैं या क्या दानियल जफर यू नो तो ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं जो कुछ बनना चाहता हूँ वो मैं अपने लिए अपने बलबूते पे करना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ, वो मेरे काम के थ्रू ही नज़र आएगा कि किस तरह वो हो रहा है सब कुछ। ये बताएं कि अली जफर के छोटे भाई होने का कितना दबाव है आप पे? दबाव तो तब है ना जब मैं ख़ुद पर्सनली फील भी करूँगा, जब मुझे पता है कि मेरा काम काफ़ी डिफरेंट है, जब मुझे पता है कि जो मेरा स्किल सेट है और जो मेरी आवाज़ और जो मेरी ओरिजिनलिटी है वो उनसे बहुत मुख्तलिफ है, तो फिर दबाव मुझे इसलिए मुझे दबाव या कोई किसी तरह का प्रेशर फेस नहीं मैं करता, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना। आपका गाना था ब्लू बटरफ्लाई, हाँ जी, और वो शायद आपकी ज़िंदगी की पहली कंट्रोवर्सी थी, उसकी वीडियो। तो कुछ मज़ा आया था उसको कि यार ज़रा अच्छा है, चलो कम अज़ कम नाम बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा? देखिए बदनाम किस चीज़ को आप कहेंगे, क्योंकि बदनाम तो तभी बंदा फील करता है ना कि वो हुआ जब उसने एक्चुअली उस चीज़ को परसीव भी ऐसे किया हो कि यार ये मैं बदनाम हो गया हूँ। तो मैंने तो इस चीज़ को परसीव ऐसे किया ही नहीं था कि मैं बदनाम हो गया हूँ, वो बस एक सिंपल सी चीज़ थी, एक म्यूज़िक वीडियो थी जिसको कुछ लोग एक और तरीके से परसीव कर रहे थे, कुछ लोग एक और तरीके से परसीव कर रहे थे। जिन लोगों को फील हुआ नहीं यार हम काफ़ी कनेक्ट किए और हम यू नो हमें पता है कि आप क्या कर रहे थे फलाना, वो गुड फॉर देम। जो लोग नहीं कर सके और जिन लोगों को वो कुछ और लगा था, वो तो उन्हीं का माइंडसेट है, उसका मैं क्या कर सकता। सर आखिरी सवाल, अदाकारी गुलुकारी पहली चॉइस क्या है? गुलुकारी पक्का? पक्का, फिलहाल तो पक्का। क्योंकि वो जो निकालता है ना दिल से, जो गुलुकारी निकालती है दिल से, वो फिलहाल तो अदाकारी नहीं निकाल पाई, लेकिन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अभी मैंने शुरू किया है एक्टिंग करना, तो हो सकता है वक्त के साथ साथ जिस तरह म्यूज़िक के थ्रू इमोशंस निकलते हैं उसी तरह जो कैरेक्टर के थ्रू मेरे इमोशंस निकल रहे हैं, हो सकता है कि मैं एज एन आर्टिस्ट अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ कि मुझे फील हो कि ये भी एक ऐसी चीज़ है जो उतनी ही पावरफुल है। सो